रात के ना 1 बजे हुए हैं, तो गुड मॉर्निंग ही हो गया। तो आप सबको मेरी तरफ से राम राम जी। वो देखिए रात के 1 बज गए हैं और यहाँ पे मन्नू के पापा भी आ गए हैं और यहाँ पे ये देखो सोए नहीं अभी तक बच्चे, ये सब जाग रहे हैं। और यहाँ पे ये भी लवण्या उठ गई है। मैं क्या चल मैं सोती हूँ, ये उठ गई। मैं ना इसके साथ लेट जाती हूँ, इतनी चलाक है ये लड़की है। अरे माँ को नहीं लेटने देती, और जब थक जाती ना मंजे पे तो मेरे पास बेड पे आ जाएगी, वहां लेट जाती है, बट मेरे को अपने साथ नहीं लेटने देती। देखो मम्मा लेट रही थी, थोड़ी देर लेटने दे बेटा, अरे थोड़ी देर तक लेटने दे। तो देखो ये मेरे को ना लेटने नहीं देती, जो कितनी खराब है। कहती है मेरे मंजे से जो हंस भी रही है, ये हंस रही है यार, देखो ये कितनी चलाक है, ओवर एक्टिंग करती है, वो देखो हंस रही है। नौटंकी लवण्या, ओ इसको नौटंकी करने आ गई यार। ओ देखो, और मैं लेट जाती हूँ ना तो शोर मचाने लग जाती है, हैं। और क्या कहते हैं, अगर उठ के वहां चले जाऊंगी ना, चल ठीक है जाऊं मैं चल ठीक है, फिर बैठ करते जा रही। मैं दिखाऊंगा तरीका क्या, तू दिखाऊंगा। देखो ये लेट के दिखाएगा, ये बोलता मैं दिखाता हूँ लेट के कैसे लेटते हैं, आपको पता लेटना नहीं आता इसके साथ है। देखो हंस रही है, ये बड़ी खराब है, देखो हंस भी रही है, देख लो ये बड़ी नौटंकी है ये, देखो अच्छा लेट के लब्बू। अब परी दीदी आ गई देना सोन, ठीक है परी दीदी सुला लो, ठीक है। तो देखो इसने इसको लेटा लिया है परी को, और मैं इसकी टट्टी भी साफ करती हूँ, इसको खाना खिलाती हूँ, इसको नहलाती हूँ, इसके कपड़े चेंज करती हूँ, सब कुछ करती हूँ है। मेरे को लेटने नहीं देती, मन्नू को भी नहीं लेटने दिया है। परी सो गई देना, ठीक है परी दीदी सो गई, ठीक है चलो सो जाओ, जाऊँ मैं जाऊँ मेरे बिस्तरे दे लब्बू। ओ लब्बू क्या परी दीदी ने सुलाना नहीं, परी जफ्फी पा के सो जानू, जफ्फी पा ला चलो सो जाओ, ठीक है। ये देखो ये देखो ये जो लड़की है ना, ये परी परी इससे सिर्फ 6 महीने लवण्या से बड़ी है, लवण्या से सिर्फ 6 महीने बड़ी है। और अगर लवण्या ठीक होती ना तो इन दोनों की शायद ज़्यादा जोड़ी बनती है। और लवण्या से सिर्फ 6 महीने बड़ी ये बड़ी है परी। ये फरवरी में हुई थी, फरवरी है ना, लवण्या जुलाई च हुई थी, मतलब 5 महीने बड़ी है ना, 5 ही हुआ है ना, हाँ 5 हुआ है, तो 5 महीने बड़ी है ये देखो। अच्छा तभी हान को हान प्यारा होता है ना, तभी इसको अपने साथ सोने दे रही है ना। चलो सो जाओ फिर, ठीक है ओके सुला लेनो, ठीक है। मैं भी घेर कर दे रही हूँ। ये तो बहुत जोर से टांगे मारती है लब्बू, तो लत मार दी है ना परी ने, फिर परी लत्ता बहुत मार दी है, तू सो जाना मन्नू। लब्बू परी तो लत लुत मारदा नहीं बेटा, नहीं मार दी, सो जाओ फिर चलो। जी मुंडी उधर हुए ना उसी वक्त नीचे पै जाओ। अच्छा तो मैं उसे लेट गई हूँ, अब देखते हैं। अच्छा इसको पर चल गया, हंस रही है, हंस रही है अभी। इसको पता ना मेरे साथ ना खेल रहे हैं ना, गेम खेल रहे हैं ये सब, बारी बारी से जाकर लेट रहे हैं ना, तो इसलिए है ना लब्बू छोटी है ना, तो इसलिए ये ऐसे कर रही है। अब इसने मेरे को लेटने दिया, बस थोड़ी देर लेटने देगी, फिर उसके बाद नहीं मैं नीचे गिर जाऊंगी। देखो जब जगह ही नहीं आएगी, नीचे गिर जाना मैं बस। चल सो जा परी तू, मैं भी उठी आ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ लेटा नहीं जाएगा ना, और इसको करवट भी लेना होता है ना, इधर उधर को पलटना होता है। चल जा रही बेटा तू पैर, ये पूरी रात ऐसे ही शोर मचाती रहेगी। अब देखती हूँ उसके बाद दूध लेके आऊँगी इसके लिए गर्म करके, और इसने अब शोर मचा, जैसे कैमरा ऑन होता है ना तो ये चुप हो जाती है। पहले इसने ना परी को इतनी जोर से डांटा था, तो जैसे मैंने कैमरा ऑन किया परी साथ में लेटी इसके, तो ये चुप हो गई। अब ये पूरी तरह से शोर मचाएगी बस। हाँ हाँ जाऊँगे सवेरे डॉक्टर को जाऊँगे बेटा, गुस्सा नहीं करना। और मैंने इसको कल परसों नहलाया था, और ये चाहती है मैं रोज नहलाते रहो, रोज नहलाते रहो, रोज रोज ठंड में कहाँ नहलाऊँ इसको है, रोज नहलाऊँगा तू
ज्यादा तो सफाई वाला बच्चा है। बिल्ली है तू, लब्बू बिल्ली है। इसके हाथ पे भी एलर्जी हो गया ना, ये देखिए यहाँ पे, ये इससे भी परेशान हो जाती है। तो ये को इसको भी नींद नहीं आ रही है और ये शोर मचाई जा रही है। अब ये पूरी रात ऐसे करेगी, मेरे को रोज ये डेली का काम है मेरा जो मैं नहीं सोती। और देखो टाइम कितने, अब 1:15 हो गया। अब इसके लिए जा रही हूँ मैं दूध गर्म करने के लिए, लेके आ रही हैं दूध पीऊंगी, ले आ रही हैं। तो यहाँ पे लवन्या तो शोर मचाई जा रही है, ये तो सो नहीं रही। और यहाँ पे ना इसको उठा देगी, ये अभी उठ गई थी, ये सो गई, सो तो गई है, पर पता नहीं इसका कहीं उठना चाहिए लवन्या की आवाज़ से ना। अब इनको मैंने बोला उस रूम में मैं बिछा देती हूँ, उस रूम में सो जाओ। हैं इतना डरते हैं ना ये सब बच्चे, तो चलो बच्चे हैं, ये बच्चों की माँ भी डरपोक है। हैं भैया उस रूम में सो जाओ। अब लवन्या मेरे को तो आ रहा था, मन्नू का पास देखो, वो मन्नू और मन्नू का पास सो गए, उनको भी आ रहा था। लवन्या चाहे जितना मर्जी शोर मचाती रहे, ये दोनों तो आराम से सो जाते, बस मैं ही नहीं सोती। मेरे तो अब बस मैं ब्लॉग की एडिटिंग करती रहूँगी, बैठ के ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी और ये शोर मचाती रहेगी। नींद नहीं पड़ रही दो, अब मेरे को तो आ रहा था। अब ये भी, इसको भी नींद नहीं आ रही, ये उठ गई थी, ये देखो ये उठ जाती है, पंखे खोलती है, इसकी नींद खराब हो रही है ना, लवन्या शोर मचाती है। तो रात के ना 2:30 बज गए हैं और लवन्या कहते हैं अभी तक नहीं सोई है, और ये देखिए शोर मचा रही है। और मैं बस ब्लॉग की एडिटिंग करके हटी हूँ, और बीच बीच में अब ब्लॉग की एडिटिंग हो गया, अब वीडियो अपलोड करके मतलब अनलिस्ट कर दूँगी अभी, फिर सुबह पब्लिक करूँगी, और उसके बाद अब मैं बैठी रहूँगी या कुछ फिल्म देख लूँगी, कोई साउथ मूवी कुछ लगा लूँगी। और इसको टिंगू से कोई नींद नहीं आती, वो देखो मन्नू का पापा आके भी सो गया, और यहाँ पे ये भी सो गई। लवन्या शोर मचा रही है तो इसको सिस्टर को तो नींद ही नहीं आ रही, बाकी ये सारे बच्चे ये देखो सब सो रहे हैं। और बस अब ये तो अपना पूरी रात जागती है, ये डेली जागती है, मैं तो बस वीडियो नहीं बनाती, बट ये डेली का काम है इसका बच्चों का। और अगर कहीं मेरी आँख लग गई तो इसने इतने ज़ोर से शोर मचा देती है, फिर एकदम से आँख लगे, फिर एकदम से उठूँ ना तो फिर क्या कहते हैं वो हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है ना, तो इसलिए मैं ना सोऊं वो अच्छा है। तो सुबह सोती हूँ मैं, जब ये सो जाते तब चैन से, तब जाके सोती हूँ सुबह। बाकी 5:15 हो चुके हैं, लेकिन इस बच्चे को ना नींद नहीं आ रही, लवन्या को। अब वहाँ थक गई थी तो फिर मैंने इसको यहाँ लटाया, तो मैं खड़ी हूँ अभी, अब मैं इसके लिए लाई हूँ यहाँ पर खाना, तो शायद इसको भूख लग गई होगी, दूध देर से दूध पी नहीं रही है, तो मैं जब इसको रोटी खिला के देखती हूँ, पता नहीं कितने बजे सोएगी। तो सब सो के भी उठ जाएंगे, और ये ना सोती है ना सोने देती है, और सुबह डॉक्टर के पास भी जाना है। हो गई है 9:15 हो गया सुबह के, बट ये बच्चू ना थोड़ी देर कहाँगी, थोड़ी देर सोई है, उसके बाद क्या कहते हैं फिर इसको एलर्जी से हो जा रही है। अब इसको एलर्जी की दवाई लगाई है, और क्या कहते हैं और दवाई दिया खाने के लिए, और फिर भी देखो ये सो नहीं रही है। अब देखते हैं, हाँ हाँ चल जाए चल जाए। और मन्नू के पास उठ गए, नीचे गाड़ी धोने के लिए गए हैं वो, मैं भी बस थोड़ी देर सोई थी, तब थोड़ी देर इन्होंने लवन्या को संभाला सुबह 1-2 घंटे, और अभी ये सारे बच्चे उठ गए हैं, अब ये चाय मांग रहे हैं। ये रात को मेरी टांगे मारी जा रही, ये रात को मेरे पास आ जा रही मेरे को। तो ये देखिए बाहर, हो माय गॉड, ये टेबल देखो कैसे गिला हुआ, जैसे ना बारिश हो रखी है। हाँ ये सिर्फ पौने पौने बाहर रह गए थे, बाकी तो सारे कपड़े मैंने उतार लिए, बारिश ही हुई है क्या? नहीं बारिश तो देखो यहाँ पर भी सारा गिला हो रखा है ये, और यहाँ पे देखिए सारा गिला हो रखा है, लग रहा है जैसे बारिश हुई है, बट वहाँ पे तो रोड सूखा है तो बारिश नहीं है, ये धुंधी है बहुत ज़्यादा, कोहरा पड़ा हुआ कोहरा। देखिए कितना मौसम बदल गया एकदम से ना। तो अभी 10:15 हो गए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को ना भी यही पेंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।